नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो इस समय मैं हूं आपका सारनाथ रेलवे स्टेशन पे, और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं बाइक। आज इसके बाइक के बारे में बताने वाला हूं, और इस वीडियो में मैं बाइक का रिव्यू करूंगा। और रिव्यू क्या, इसका एक्सीडेंट हो गया है तो ये थोड़ा सा मैं दिखाऊँगा और इसके बारे में, बाइक के बारे में बताऊँगा। तो चलिए बैक कैमरे से मैं आपको अपने इस बाइक के बारे में बताता हूँ। ये है TVS की रोनिन बाइक। और सबसे पहले मैं इस बाइक का मैं बता देता हूँ कि इस बाइक का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो जब नई नई बाइक आई थी तो मैं उस समय वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं सोचा पहले एक एक्सीडेंटल इसका वीडियो बना देता हूँ। जब ये बाइक बन जाएगी, कंपनी से क्लेम पास हो जाएगा, तब मैं इसका अलग सा वीडियो बनाऊँगा सेपरेट। तो इसका आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा टंकी पचक गया है, और ये देख सकते हैं मीटर, और ये मीटर भी टूट गया है, और यहाँ से चीज़ें मुड़ गई हैं, और इसका जो आपका मेन पैडल है वो भी टूट गया था, इसको मैंने खुद से बनाया है, और यहाँ पे चीज़ें सब मुड़ गया था। तो सब बेसिक चीज़ें हैं जो चीज़ें टूट चुकी थी, और मैं उसका वीडियो नहीं बनाया तो काफ़ी दिन हो गया था। बाइक गंदी है तो उसके लिए आप माइंड मत कीजिएगा। और इस वीडियो में मैं इस बाइक के बारे में थोड़ा डिटेल्स भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए, और देख सकते हैं यहाँ पर टंकी पचक चुकी है, क्या बोला तूने, और कुछ ऐसा है, और एक यहाँ पे बैक मिरर्स टूट चुके हैं, एक टूट गया तो वहाँ पे मैंने उसको भी कवर किया है, वो भी नहीं है। और मारो हमको, मारो। और बाकी तो चलिए मैं इस बाइक पे सीधे चलता हूँ मुद्दे पे, और इस बाइक के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसके DRL की बात करता हूँ। DRL देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर है, और इसका जो लाइट है ये लो बीम हाई बीम इसमें शो करता है, और आगे से कुछ ऐसा है। और मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आपको आगे का व्हील दिखा देता हूँ, व्हील की साइज और टायर की साइज मैं इसको मेंशन कर दूंगा, LCD पे आप देख लीजिएगा। और ये डुअल ABS टोन में गाड़ी आती है, और ये देख सकते हैं ABS का पैनल लगा हुआ है, और मीटर असेंबली है। और सस्पेंशन की बात की जाए तो ये सोवा करके सस्पेंशन है, जो अपर से डाउनर ग्रिप में आता है। और व्हील की बात की जाए तो अलॉय व्हील है, और टायर की साइज की बात की जाए तो 17 इंचेस डुअल चैनल के साथ आता है, और 17 इंचेस के टायर हैं इसमें लगे हुए। और यहाँ पे देखेंगे आप, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूँ आपको कि लिक्विड कूलिंग इंजन है। और बाइक जब बनी थी शुरू में तो काफ़ी अच्छी थी, और लोगों ने इसको लिया भी। और इस वीडियो में मैं आपको, और देखा जाए तो इस इंडिकेटर की बात की जाए तो इंडिकेटर काफ़ी है, और इसमें हैजार्ड लैंप भी दिया हुआ है, और ये हैजार्ड लैंप कुछ ऐसा होता है, हैजार्ड लैंप का यूज आप गाड़ी चलाते हुए कभी नहीं करना चाहिए, जब गाड़ी खड़ी हो तभी हैजार्ड लैंप का यूज किया जाता है, लेकिन लोग इस चीज़ से बेदखल है, लोगों के पास नॉलेज नहीं होती तो चलती गाड़ी में अपना हैजार्ड लैंप जलाते हैं, जो कि अनसेफ होता है। और कुछ ऐसा है आपका, और मीटर में दिखा देता हूँ, मीटर में कुछ ऐसा है, यहाँ पे टाइमिंग दिख रहा है, टाइमिंग है आपका, और ये है, मैं एक बार बंद करके गाड़ी चालू करके आपको दिखाता हूँ, 160 टॉप स्पीड दिखाता है, 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है, और कुछ ऐसा है, और ये लिक्विड कूलिंग इंजन के साथ। इस इंजन की बात की जाए तो इंजन 225 सीसी इंजन ऑयल है, और इंजन आपका ऑयल कूलिंग इंजन है। स्पीड ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये पाँच स्पीड है पूरा ट्रांसमिशन। और यहाँ पे रोनिन की बैजिंग लग जाती है, यहाँ TVS का लोगो है आपका, और कुछ रियर व्हील से कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे आपको डिग्गी के लिए चाबी मिल जाएगा, और आप रियर से देख सकते हैं कुछ ऐसा है, और ये आपका आयरन में मिल जाएगा, और एग्जॉस्ट देख सकते हैं काफ़ी हैवी है, और ABS के साथ आता है तो कुछ अलग ही है, और बाइक धूल ही नहीं है, बाइक काफ़ी गंदी है तो कुछ ऐसा है। बाकी मैं इसको एक बार आपको ऑन करके एग्जॉस्ट का आवाज़ सुना देता हूँ, बाकी आप गाड़ी की आवाज़ काफ़ी साइलेंटली स्टार्ट होती है, कुछ ऐसा ही इसका आवाज़ है, और एग्जॉस्ट की आवाज़ आप सुन सकते हैं।
कि आपका हजार लैम्प देख सकते हैं, हजार लैम्प। मैं रात को इसको इस गाड़ी को चला के दिखाऊँ, लाइट का काफ़ी अच्छा फोकस है। और टैंक की बात की जाए तो टैंक इसका 14 लीटर का टैंक आता है और काफ़ी है। और मैं इस समय मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो शूट करने का लोकेशन है, आप देख सकते हैं आपका सारनाथ रेलवे स्टेशन है। आधुनिक युग का आधुनिक मशीन जा रहा है। आप भी कहेंगे कि बाइक का वीडियो बनाते बनाते कहाँ चला गया, वो रेलवे ट्रैक बिछाने वाली मशीन है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। और ये अपनी रोइनिन बाइक थी और ये मेरे घर की बाइक है, मैंने सोचा कि एक वीडियो इसका शूट कर लेते हैं। मैं कोशिश किया था वीडियो बनाने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता था, तो थोड़ा बहुत सारी चीज़ें हुई, आपको पता ही होगा, आपने मेरा वीडियो देख लिया होगा। तो बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो मैंने सोचा कि वीडियो शूट करता हूँ, तो वीडियो शूट नहीं किया। तो मुझे एक मौका मिला तो मैंने सोचा इसका वीडियो ही शूट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो सिंपल सा पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो इस बाइक का तो मैंने पहले ही क्लेम कर दिया है कंपनी को, जब क्लेम पास हो जाएगा, जब ये ओवरहॉल बन के आ जाएगा, तो एक इस बाइक का मैं एक ओवरहॉल रिव्यू दूंगा और इस बाइक को मैं राइड करके इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो इसका अगला वीडियो आप चाहते हैं तो वीडियो को कमेंट कीजिएगा और कमेंट के जरिए मुझे पता चलेगा कि अगला वीडियो आप चाहते हैं। तो आगे से DRR कुछ ऐसा दिखता है।